राम राम जी, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और गुड्डू आ गए स्कूल से, अंशु पहले ही आ गया था और दोनों बहन भाई आ गए और आती कर लिया अंशुमन ने एसी ऑन। और गुड्डू को देखिए हो रहे गाल लाल, क्योंकि गाड़ी में जब आती है तो गाड़ी आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि भाई गाड़ी एकदम गर्म रहती है, भपका मारती है। और कह रही है साइकिल में जाता हूँ, इतनी गर्मी लगती है कि वैन में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा करता कि चल पैदल पैदल ही चली जाऊं। कल की छुट्टी, कल की छुट्टी, की छुट्टी, और इनकी है बुध पूर्णिमा है कल और इलेक्शन की वजह से अब इसकी छुट्टी है। और अंशुमन की सिर्फ देखो कितना चंबा हो रहा है, तेरी उस दिन की भी छुट्टी है, उस दिन की भी छुट्टी है। तो गुड्डू की तो अब छुट्टी है 2-3 दिन की। और सुबह ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सुबह तो इनको जाना ही थी जैसे 6:40 पे, तो आज गुड्डू की बहन आ गई थी तो सुबह तो आज टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल, इतनी जल्दी जल्दी रहती है कि भाई ब्लॉग बना लूँ वीडियो बना लूँ, क्योंकि काम फटाफट का भी, उसकी ड्रेस देना, उसको ये सामान देना। और आज गुड्डू की फ्रेंड का था बर्थडे और वो लाई है चॉकलेट, उसको मिली है, उसकी फ्रेंड ने दिए चॉकलेट और गुड्डू भी गिफ्ट लेके गई थी। और आज अपनी फ्रेंड के गिफ्ट के चक्कर में ये हो जाती लेट, आज बहन आ गई थी इसकी और ये गिफ्ट रैप करने में लगी हुई थी। तो दो फ्रेंड का बर्थडे था आज, तीन जानवी का तो 4 जून को बता रही है, 8 जून, 8 जून का था, 2 का था। तो आज जानवी ने तो बनाया था, उसका तो बर्थडे हुआ ना, उसको बोलो उसका तो घर चली जाइए ना तो जानवी के। तो अंशु ने तो खाना वाना खा लिया, अब इसके लिए बनाती हूँ। वैसे तो लेके जाती है लंच ये, और आप पौने 2 हो गए, सिर्फ 1 घंटा पहले ही छुट्टी होती है इनकी। तो मैंने भी मशीन लगा रखी है, कपड़े धोऊंगी, कल हो जाएगा वीरवार और फिर आज कपड़े धो लिए। आज मेरा बर्थडे भी है वैसे गणेश जी का, मेकअप कर रखा है गाइस देखो। और सुबह अब जल्दी उठना पड़ता है मेरे को 4:45, तो जल्दी उठ जाती हूँ इनके स्कूल के चक्कर में। तो और कल और भी जल्दी उठना है क्योंकि कल इसके पापा जाएंगे दिल्ली 4 बजे, तो कल मेरे को और भी जल्दी उठना है। इनकी छुट्टी है पर मेरा स्कूल चालू है। तो बच्चों ने और शर्मा जी ने तो खाना खा लिया है और मेरा है बुधवार का व्रत, तो मैं अपने लिए काट रही हूँ तरबूज ठंडा ठंडा। और गुड्डू आते ही सो गई है क्योंकि अब इसको ना तो आज होमवर्क की चिंता है क्योंकि इसकी है 3 दिन की छुट्टी, तो कह रही मम्मी मैं आराम से कर लूँगी, आज मेरे को टेंशन नहीं है और कल भी लेट उठूँगी। तो दोनों ही बहन भाई थोड़ा सा, ये तो कल की छुट्टी के लिए खुश है और इसका थोड़ा मुँह लटक गया है क्योंकि इसके स्कूल से अभी कोई मैसेज आया नहीं है, वो तो निश्चित हो गई। और इसको चिढ़ा के सोइए कि अंशुमन मेरी तो 3 दिन की छुट्टी है तेरी नहीं है। तो दोनों बहन भाई आपस में करते हैं सो गई है वो तो। और ये भी देखो शायद मेरे दोस्तों के साथ इनके घूमने का प्लान है, तो ये भी क्या पता मॉल में कह रहा है मम्मी मैं मॉल में जाऊँगा। वैसे मैं तो मना कर रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि बाहर है ना दरवाज़ा खोल के झाँकने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी तेज़ धूप है। तो बस अब तरबूज तो कट गए हैं और एक खा लेती हूँ थोड़े से। तो आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ी, और कुल्फ़ी का जो है भाई ऑर्डर आया था हमारी गुड्डू का, क्योंकि हमारी गुड्डू को कुछ ना कुछ अच्छा और नया खाने के लिए चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ी, और कुल्फ़ी बनाने के लिए दूध गर्म करना रख दिया है, ये देखिए दूध उबल रहा है हमारा। और इसके लिए जो सामान चाहिए वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या हम लाए हैं कुल्फ़ी बनाने के लिए। ये देखिए काजू बारीक काट लिए हैं, ये है बादाम ये बारीक काट लिए हैं, और ये इलायची कूट ली है, ये है खोवा, और दूध जो है ये गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। तो दूध हमारा उबल रहा है और इसका ऑर्डर आया था गुड्डू का, क्योंकि हमने पिछले साल कुल्फ़ी बनाई थी तो तब हमने बनाई थी थोड़ी और उसको लगी थी अच्छी, और उसको भी अच्छी लगी थी, मम्मी को भी अच्छी लगी थी, और भाई गुड्डू का तो नाम था, फिर खाई सबने थी। तो अब की बार फिर से मन में आ रहा है क्योंकि अब गर्मी तो आपको पता है कितनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी का तो अब कोई हिसाब किताब रहा ही नहीं, और जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है उतनी ज़्यादा लाइट भी जा रही है। और फिर बनाएंगे कुल्फ़ी और फिर खाएंगे ठंडी ठंडी कुल्फ़ी एसी में बैठ के। तो आज तो नहीं जमेगी, आज तो बस बना के और फ्रिज में रख देंगे, तो खाएंगे कल क्योंकि कल है अंशु गुड्डू की भी छुट्टी, तो कल खाएंगे ठंडी ठंडी कुल्फ़ी। और अब बनाते हैं कुल्फ़ी, और अब आ गई ऊपर, दूध तो उबलने रख दिया है, तो इतने दूध उबलेगा इतने में आई हूँ ऊपर, और देखिए थोड़ी सी बूंदाबांदी आई थी और कितना बुरा हाल हो गया छत का। परसों ही मैंने धोई थी, आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, परसों ही हमने छत धोई थी और आज बूंदाबांदी ने क्या बुरा हाल कर दिया पूरी छत का। थोड़ी सी ट्राई आंधी और थोड़ी सी बूंदाबांदी, अगर ज़्यादा बारिश होती तो कम से कम ये मिट्टी सारी हो जाती आगे और साफ़ हो जाती छत, और अब छत गंदी हो गई। तो सुबह ही लगाऊँगी झाड़ू, वक्त गर्मी और सुखा लेंगी कपड़े,
कपड़े वैसे मैंने धो तो दोपहर में ही दिए थे और ये है सुखाब रहे हैं क्योंकि धूप ज़्यादा थी तो कपड़ों का कलर फेड हो जाता, इसलिए अब सुखा रही हूँ। मम्मी देखो मैं सुबह आपसे ये कह रही थी ये वाले पौधे, सुबह ये वाले सारे पौधे में देख के आई ना सारे मुरझे पड़े थे, अब भी मुरझे पड़े। हाँ तो आज भर के गए थे, मैं तो आपको सुबह पूरे भर के गए थे। ये वाला तो अच्छा है, ये वाला अच्छा अच्छा है। हाँ ये भी अच्छा, वो भी अच्छा होगा वहाँ गमले में। हाँ ये वो वाला और ये वाला बहुत अच्छा बच्चा है। ये कड़ी पत्ता भी नहीं, कड़ी पत्ता भी सही होगा। देख मैं तो सोच रही थी खत्म ही हो जाएगा पौधा, रुक गया है दोबारा फूट गया है। मेरे को तो सारे अच्छे लग रहे हैं, सारे पौधे हो रहे हैं। ये इसमें ज्यादा गहरी पत्ती नहीं आ गई मम्मी, है ना, फ्लावर नहीं आ रहे इसमें। दो हो गई इसमें, एक ये वाली और एक ये वाली। गार्डन गार्डन में ना फ्लावर बन गए इसकी, देख एक ये वाली रह गई। हां गार्डन में तो इसमें फूल आ रहे होते हैं। थोड़ी देर पहले तो गुड्डू बहुत अच्छा मौसम हो गया था, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी। मैं तो सोई हुई थी। हाँ आंधी और बारिश आएगी, पर बस हवाएं तेज हवा चल के गई, बारिश नहीं आई। कहीं पे तो हुई है बारिश, ठंडी हवा आ गई है ना, हवा ठंडी आ गई है। ए कैंची देखो कहाँ रखी है, तो पापा कटिंग वटिंग करते रहते हैं पौधे। ये वाला तो मम्मी बहुत अच्छा हो गया है भाई, बाल्टी में बहुत अच्छा लग रहा है ये, है ना। मम्मी मेरी फेवरेट ठंडी ठंडी कुल्फी बन रही, कितनी हफ्तों से कह रही थी मैं कुल्फी बनाओ कुल्फी बनाओ। मैंने कही है, मगर गुड्डू की उस पर बनी है भाई डिमांड पे, पिछले साल बनाई थी हमने गुड्डू को और नानी को लगी थी अच्छी, अब नानी तो है नहीं इस साल। तो अरे नानी को इतनी अच्छी लगी थी, बस पूछो ही मत। मेरे से भी ज्यादा नानी कह रही ओहो इतनी अच्छी बना दी, मैं बाहर से नहीं खाऊंगी अब। ये जो खोआ था ये टाइट करने के लिए थोड़ा गर्म कर दिया है और ये फैला दिया है ऐसे कढ़ाई में ताकि ये टाइट हो जाए। और दूध थोड़ा सा हो गया था कम हमारा उबल उबल के, तो इसमें डाल दिए चीनी और अब डालेंगे कस्टर्ड पाउडर ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और फिर मिला देंगे ये सारी चीज़ें और फिर डालेंगे जो कुल्फी की डब्बियाँ होती हैं उनके अंदर। चम्मच थोड़े से पानी लेके और दो चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर मिला दिया है और अब ये डाल देंगे दूध के अंदर और इसको मिलाते रहेंगे, हल्का हल्का चलाते रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं स्पीड से नहीं, बस हल्का हल्का चलाते रहेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एकदम से नहीं, इसको चलाते भी रहेंगे दूध को और थोड़ा थोड़ा ये मिलाते रहेंगे और इसको कंटिन्यू रखना है चलाते, क्योंकि अगर हम रोक देंगे तो ये फिर सही से नहीं बनेगा हमारा जो दूध का पेस्ट है गाढ़ा गाढ़ा। तो इसको भी मिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और चलाते रहेंगे थोड़ी देर, ये 5 मिनट तक चलाते रहना है हमको। और एकदम से हमको जो एक कस्टर्ड पाउडर हमने घोल बनाया था तो ये एकदम से सारा नहीं डालना है, ये थोड़ा 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 करके और ये मैंने डालना है। और देखिए दूध आपको दिखाई दे रहा होगा ये उबल रहा है अच्छे से और इलायची तो इसमें डाल दी है तो इलायची की तो खुशबू आ गई है ऐसा लग रहा है। तो ये देखिए कस्टर्ड पाउडर जो हमने डाला है उसके बाद मेरा दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए इसमें अब लगने लग गया कि हाँ भाई अब इसमें। तो देखिए हमारी रबड़ी जो है कुल्फ़ी के लिए जो रबड़ी बनाते हैं पहले तैयार करते हैं, तो लगभग वो हमारी तैयार हो रही है। और कस्टर्ड पाउडर थोड़ा कम रह गया क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा जो हमारा थोड़ा है कम हुआ है दूध, तो इसके लिए थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर मैं और डालूंगी चलाते रहें कि जो हमारा दूध है ये ना लगे पतीली में। तो देखिए दूध से हमारी रबड़ी जो है तैयार हो गई है, आपको गाढ़ी गाढ़ी ये दिख रही होगी। और अभी ये हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए, ये देखिए पराठा चलाया है हमारा, कुछ कुछ ठंडा हो ही गया है, ज़्यादा ठंडा तो अभी नहीं हुआ है पर हाँ ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो ही गया है। और जो ये खोआ था कढ़ाई में मैंने आपको दिखाया था तो ये मैंने निकाल के और भुरभुरा कर लिया एकदम से, क्योंकि जो कुल्फी खाते हैं और जिन्होंने खाई है उनको पता रहता है तो जो वो दाने दाने से भी मुँह में आते हैं तो वो खाने में अच्छे लगते हैं टेस्टी, तो वो भुरभुरी शेप मैंने जो है खोए को दे दी एकदम मसल के। और देखिए ना बढ़िया हो गया, कुल्फी खाएँगे तब भाई ये जो खोआ दाने दाने से ही मुँह में आएंगे ना तो बड़ा टेस्टी लगेगा भाई, स्वाद ही अलग हो जाता है कुल्फी का जब ये दाने दाने से मुँह में आते हैं खोए। तो रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है ये देखिए और अब इसमें डाल देंगे खोआ
और फिर इसमें जो काजू बादाम इलायची मैंने काट के रख रखी है, इलायची कूट के वो भी डाल देंगे इसको, और थोड़ा सा और ठंडा करेंगे और फिर इसको डालेंगे डब्बियों में। तो गुड्डू को तो चाव चढ़ा हुआ है और गुड्डू का बस चले तो बस अभी कुल्फी तैयार हो जाए और अभी खा ले कुल्फी, क्योंकि इसको ही कई दिनों से था कि इसने नाक में दम कर रखा था कि अब की बार कुल्फी कब बनाओगे मम्मी, अब की बार कुल्फी कब बनाओगे। और मैंने कुल्फी बनाना सीखा है शर्मा जी से, पहले तो मेरे को भी नहीं आती थी और मैंने शर्मा जी से सीखा है, क्योंकि शर्मा जी हमारे हलवाई और सारे काम आते हैं शर्मा जी। ये देखिए मैंने खोआ डाल दिया है और अच्छे से इसमें मिला दिया है, और ये दाने दाने से आपको दिख रहे होंगे, और जब ये ठंडे होके मैं कुल्फी की डब्बियों में जमेंगे और तब खाएंगे इनको। और मेरी बातें सुनकर आपके भी मुँह में आ रहा होगा ना पानी। देखिए इलायची का ऐसे कूट के मैंने बिल्कुल एकदम से पाउडर बना लिया था, ये डालते हैं मिलाते हैं। इलायची की खुशबू आपको पता है, अगर खीर में आप इलायची डालते हो तो इलायची की खुशबू कितनी अच्छी होती है। और इसमें डाल दिए पाउडर बना के, और काजू ये बारीक बारीक जो काटे थे। तो आप भी अगर घर पे कुल्फी बनाना चाहते हो और आपको नहीं आती हो तो आप भी मेरा व्लॉग देखो और घर पे कुल्फी बनाना भी ट्राई करो, बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी लगेगी अगर आप ऐसे कुल्फी बनाओगे। देखिए रबड़ी में मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, रबड़ी में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिला लूँगी। और रबड़ी भी हमारी ठंडी हो ही गई है, तो बस जो मैंने डबिया ना रखी थी पिछले साल लाए थे हम, हमने क्योंकि पिछले साल बनाई थी शर्मा जी ने और अब की बार बनाई है मैंने ये, तो भाई थोड़ा तो शायद टेस्ट डिफरेंट होगा, वो पूछेंगे गुड्डू अंशू से। अभी तो बस ये तैयार हो गई है हमारी रबड़ी, सब कुछ जो डालना था वो मैंने डाल दिया है, और आप भी अपने घर पर ज़रूर थी ठंडी। और पापा डाल रहे हैं जिसमें कुल्फी बनाते कुल्फी की शेप वाले कंटेनर में, और इसमें मतलब तो इसको अब हम फ्रीजर में रख देंगे, फिर ये मतलब कल तक सुबह तक आराम से रेडी हो जाएगी और फिर हम दोपहर में खाना खाने के बाद इसको खाएंगे, बहुत मज़ा आएंगे। मेरी तो फेवरेट है, सबसे फेवरेट मेरी यही। और पापा जो ये बच जाएगी ना ये हम बारी बारी करके डालेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने कंटेनर नहीं हैं तो हम ये बारी बारी करके डालेंगे, इनमें सुबह तक तैयार हो जाएगी, तो सुबह हम खा के और फिर इसमें दोबारा डाल देंगे, तो हमारा तो डेजर्ट हो जाएगा कई दिन का ना पापा। खाने में हेल्दी भी है क्योंकि इसमें दूध बादाम काजू खोया ये सब डला हुआ है, तो ये हेल्दी भी है और खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पापा मना ही नहीं करेंगे, ये जंक फूड है ही नहीं। देखो फ्रीजर में डालेंगे पापा, लड्डू गोपाल के लिए हमने निकाल दी थी वो भी मैंने फ्रीजर में रख दी, देखो छोटी छोटी कटोरियों में, तो लड्डू गोपाल भी तो खाएंगे। तो आज गुड्डू आ गए मेरे साथ रसोई में और कह रही मम्मी मेरे को रोटी बनाना सिखाओ, तो आज ये रोटी बेल रही है, और दो रोटी जो पहली शुरुआत की है वो यही बनाएगी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अब रोटी बना रही है, देख रही दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वो लगा आटा लगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं उठा ये रोटी उठा, हाँ इसको उसमें डाले ऐसे, हाँ बस अब ऐसे तो हो गई लंबी लंबी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको गुड्डू जो रोटी बेल रही है। बोल रही थी मम्मी मेरी सारी फ्रेंड को रोटी बनानी आती है, आप मेरे को भी सिखाओ। तो भाई पहली बार में देखिए गुड्डू ने कैसी रोटी बेल ली है, गोल तो नहीं बेली पर हाँ ये ठीक ठीक बेल दी इसने, और ये देखिए इतनी बहुत है, हाँ हाँ बड़ी बहुत ज्यादा कर दी मेरे को तो नहीं पता ना। तो भाई पहली बार गुड्डू रोटी बना रही है, ये अब डाल दे तवे पे, हाँ ऐसे, हाँ बहुत ज्यादा बड़ी बना दी, इतनी नहीं बेलनी रहती। तो भाई पहली रोटी इसने ये बेली है, तो गोल तो इतनी गोल भी नहीं है और टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं है, तो सीख ही लेगी जल्दी मेरी गुड्डू जो है रोटी बनाना। लोई मैं बना देती हूँ, रुक जा, इसको भी बेलना है और उसका भी ध्यान रखना है। अभी ऐसे हो गई, इसको चिमटे से, मैं तो हाथ से पलट रही हूँ, चिमटे से पलटनी है तेरे को, ठीक है? ठीक है। और अब दूसरी रोटी बेल रही है, ये हम खा लेंगे लड्डू गोपाल जितनी बस, हाँ अब ऐसे भी, हाँ ऐसे, अब थोड़ा सा पलोथन लगाओ, हो गई टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा लगाओ, हाँ आटा लगा, आ जाएगी सीख लेगी बस।
और इसको कई दिन से हो रहा था कि मेरे को रोटी बेलनी सिखाओ मम्मी, रोटी सेकनी सिखाओ, बस 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 बस। अब इस ये देख जल गई ना, जल गई। अब इसको डाल। हाँ देखो इसको उठाती रहे सेकती रहे। हाँ उठा फिर उठा। हाँ जल गई। हाँ हटा दे हटा दे। बस 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 रख साइड में। तो गुड्डू हमारे गुड्डू ने पहली रोटी सेकी है और देखिए कितनी बढ़िया रोटी इसने सेकी है, आधी कच्ची आधी पक्की। और भाई कुछ कुछ थोड़ा बहुत ट्राई किया है तो इसको मैं बताती हूँ कैसे सेकना है। देख फ्रेंड्स अब हो गई थी कुल्फी तैयार और लड्डू गोपाल को हम पहले भोग लगाएंगे कुल्फी का। अंशु भाई लगा ठंडी ठंडी लड्डू गोपाल को जल्दी खानी थी ना, सोएंगे ना फिर जल्दी जल्दी। बहुत टाइट हो गई तो भाई अब तो निकालनी पड़ेगी। टेस्टी टेस्टी मजे आ गए ठंडी। हाँ लड्डू गोपाल गए थे, मैं तुम्हारी तुमको पहले नहीं खाने दूंगा, पहले मैं खाऊंगा इसलिए मेरी जमाओ पहले। कहाँ से? तो अब गणेश जी महाराज भी खाएंगे कुल्फी, फिर सरस्वती माँ खाएगी और फिर बाद में हम खाएंगे। फिर जम गई, हम खेल के भी आ गए और हमारी कुल्फी भी जम गई। ये इसलिए ताकि बाहर निकल जाए। बता दी हमें जो हमने कुल्फी जमाई। अच्छा पहले हम सुबह खाते नहीं थे, मैंने सिखाई इसको खानी नहीं। पहले इसको अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी, है ना? तेरी नहीं, ये मैं नहीं लूंगी। मैं क्यों लेगी? क्यों, ये मम्मी ले लेगी। लो मम्मी। 3 हां मैं खा लिया था और बाहर बैठे थोड़ी देर, क्योंकि कल मैं उठने की जल्दी है नहीं, तो थोड़ी देर बाहर बैठे बच्चे खेले और अब खा रहे थे ठंडी कुल्फी उतनी गर्मी में और बहुत अच्छे लग रहे भाई, बहुत मस्त मजा आ रहा है। हेल्दी हेल्दी और ठंडी ठंडी कुल्फी हम खा रहे हैं और बड़े मजे आ रहे हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी कुल्फी की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना और हम करते हैं उन लोग का एंड। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का कुल्फी का व्लॉग और करते हैं उन लोग का एंड। आशा करती हूँ मेरा आज का कुल्फी का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा। और कुल्फी मेरी भी गल गई है।